नाजरीन आज मैं आई हूँ इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक में, जहाँ पर है अलीशान सज्जी वाले, जो कि तकरीबन 40 साल से यहाँ पर सज्जी बना रहे हैं। आए चलकर देखते हैं इनके सज्जी की खास बात क्या है, जो लोगों का सज्जी खाने के लिए इतना रश लगा हुआ है। क्या ऑर्डर किया आपने आज? हमने इनकी कढ़ाई अच्छी है, हमें बहुत पसंद है, और बारबेक्यू और सब्जी तो बहुत ही अच्छी है। टेस्ट कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम पहले भी आते रहते हैं। खास बात क्या लगती है इनके खाने की आपको? इनके मसाले बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो जलन वगैरह नहीं होती ना, अच्छा रहता है। अच्छा, कभी घर में ट्राई किया इस तरह की कढ़ाई बनाना? कोशिश करते हैं लेकिन ऐसे बनता नहीं है। क्या ऑर्डर किया आपने? हमने कढ़ाई चिकन कढ़ाई ने ऑर्डर किया। क्या खास बात लग? हाँ, इसलिए हम आते हैं कि इनका फूड जो है वो हाइजेनिक है और इंतहाई मुनासिब स्पाइसी, हर कोई बंदा खा सकता है। अच्छा, यहाँ पर सब्जी भी है, बारबेक्यू भी है और भी चीज़ें हैं, तो आप ज़्यादातर क्या खाती हैं यहाँ? ज़्यादातर बारबेक्यू, आज हमने कढ़ाई लिया वरना हम बारबेक्यू खाते हैं। क्या खाना पसंद करते हो यहाँ से? यहाँ के कबाब बहुत अच्छे और टिक्के बहुत अच्छे। खास बात क्या लगती है आपको इनके कबाबों की? इनके जूसी होते हैं एक तो, और इनका टेस्ट ज़रा अलग है, इनके मतलब जो मिर्च मसाले हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनकी स्पाइसेस अच्छी हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर। आपने क्या खाया अभी? मैंने यहाँ से सज्जी खाई है। कैसा टेस्ट लगा आपको? डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त। इनके टेस्ट की खास बात क्या लगती है आपको? इनके मसाले बेहतर लगे हैं मुझे दूसरों की नस्बत जो है, ख़ास तौर पे इनके जो राइस थे, ये खड़े खड़े चावल थे, बड़े बेहतरीन लगे मुझे, बहुत मज़े के लगे इनके, और ताज़ा फ्रेश चीज़ थी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर जीशान सिद्दीकी साहब। आप मुझे बताएं आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये जो ब्रांच है इसको हमें 13 साल हो गए रन करते हुए, और वैसे जो हमने बिजनेस मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था 1981 में, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे वालिद साहब ने रेस्टोरेंट पर। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ है वो हमारी सब्जी है, और वो विद राइस होती है, उसके बाद हमारे पास मिलाई बूटी है, रेशमी कबाब है जो हमारे मोस्ट जो है वो फेवरेट कस्टमर हमारे लाइक करते हैं, मिलाई बूटी है और वाइट कढ़ाई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड किस डिश की है? सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो हमारी सब्जी और मिलाई बूटी की है। डिमांड सीजन के लिहाज से होती है या 4 सीजन रहती है? सब्जी मिलाई बूटी जो है वो 4 सीजन है, वैसे हम सर्दियों में जो है वो ग्रिल फिश सेल करते हैं, उसकी भी डिमांड सर्दियों में होती है। आपके खानों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग बहुत शौक से आपके पास खाना खाने आते हैं? हमारी कोशिश ये होती है हम अपने क्लाइंट को, कस्टमर को अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड करें। हमारी खास बात ये भी है कि हम मसाला जात जो है वो खुद तैयार करवाते हैं, और जो मेरे वालिद साहब 40 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं मसाला जात, वही मसाला जात को लेकर हम आगे चल रहे हैं, और ये सारी रेसिपी मेरे वालिद साहब की है। जो हम चिकन यूज़ करते हैं वो डेली बेसिस पे हम फ्रेश लेते हैं। और सब्जी तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? पकाई में जो टाइम लगता है वो 1 से 1.25 घंटे में सब्जी तैयार हो जाती है पकाई में। आप कितनी तरह की कढ़ाई बनाते हैं? हमारे पास 4 किस्म की कढ़ाई है, चिकन वाइट कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, चिकन देसी घी की कढ़ाई है, चिकन ब्लैक पेपर है, और चिकन ग्रीन कढ़ाई। लोग ज़्यादातर कौन सी कढ़ाई खाना पसंद करते हैं? लोग हमारे से वाइट कढ़ाई, प्लेन कढ़ाई ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में। माशाल्लाह इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, कोई मशहूर शख्सियत आपके पास खाना खाने तो ज़रूर आती होंगी? हमारे पास मशहूर शख्सियत जो है वो इमरान नजीर आते हैं हमारे पास खाना खाने के लिए, उसके बाद शुएब अख्तर हमारे पास खाना खाने आते हैं, और सियासी जो लोग हैं उसमें ख्वाजा अहमद हसन आते हैं नून लीग के, PTI के महमूद रशीद साहब, सिंगर्स में जो है वो शफकत इमानत अली हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, उसके अलावा शेर मियां दाद हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? जी हम शाम 5 बजे से रात 4 बजे तक जो है वो रेस्टोरेंट हमारा वर्क करता है। बहुत शुक्रिया आपका।
नाजरीन मेरे लिए चिकन सज्जी, मलाई बोटी और रेशमी कबाब आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन ये सज्जी फ्रेश और बहुत ही ज्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ, अल्लाह हाफिज़।